आपका मान, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक की गणना की थी। इसके अलावा किया जा सकता है क्योंकि अणु की सांद्रता किस तरीके
और कोई माध्यम नहीं, नहीं, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन नहीं कर सकते।
बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो प्रबल विरुद्ध प्रकटने आईनों में टूटा हुआ जरूर रहता है, लेकिन उसके सारे आईने स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ ही आईने होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, और जो आईने स्वतंत्र रूप से गति कर सकती हैं उन्हें उन्होंने क्या नाम दे दिया, स्क्रिय वारंट नाम दे दिया, स्क्रिय पाप नाम दे दिया। कि जो आईने गति करेंगे वो क्या है, एक्टिव पार्ट है, और जो गति नहीं कर रहे वो आईने का आकर्षण द्वारा वही बंधे रहेंगे। तो इन्होंने दो प्रभाव बताए, एक है समीप प्रभाव या रिलेक्शन इफेक्ट, के
दो विपरीत प्रभाव पर कार्य करते हैं और उन दो विपरीत प्रभाव में पहला प्रभाव ये बताया कि जो आयनों की वास्तविक क्रिया होती है उससे क्या होती है, आयनों की व्यवस्था बनती है, आयनों की वास्तविक क्रिया के कारण आयनों की व्यवस्था बनती है, और दूसरा आयनों के बदले क्या होती है, उसमें टकरी होती है, विघटन और विनयन क्या करते हैं आपस में, उसमें टकरी करते हैं और उसमें टकरी करने के बाद में प्रत्येक पॉजिटिव प्रत्येक नेगेटिव से चारों ओर से गिर जाता है और प्रत्येक नेगेटिव आयन प्रत्येक पॉजिटिव आयनों से इस तरीके से गिर जाता है उसमें टकरे होने के बाद में, और इससे उसने क्या नाम दिया, आयनिक परिवर्तन नाम दिया, इसे उसने क्या कहा, आयनिक परिवर्तन, क्योंकि विवाही अवकलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग उसने विवाही अवकलन अलग अलग को
शुक्र है और यहाँ पर ये
और ये सभी प्रभाव को शोक रहे विद्युत संचलन प्रभाव को शोक रहे, ये दोनों इक्वेशन हमने लिए हैं। और ये इक्वेशन के मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के अंदर हम b का मान रख सकते हैं और a का मान रख सकते हैं। b और a का मान रख करके हम इसके लिए डिवाइडर का सिंगल इक्वेशन बना सकते हैं। और डिवाइडर इन दोनों का मान रखेंगे अपने तो लैम्डा बराबर आ जाएगा लैम्डा इनफिनिट माइनस